नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज हम विशेष में 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन के बारे में बात करेंगे। 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र बुधवार यानी 13 फरवरी 2019 को खत्म हो गया। आखिरी दिन सदन में माहौल काफी भावुक हो गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ ही सांसदों ने सदन के अनुभवों से रूबरू कराया और अंत में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस पद की जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डाला। 16वीं लोकसभा के दौरान कुल 17 सत्र हुए। विदाई संबंधी उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री और सांसदों ने स्पीकर पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए सदन के सुचारू संचालन के लिए सुमित्रा महाजन की तारीफ की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा के दौरान सदन में हुए ऐतिहासिक कामकाज का जिक्र किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सत्र 13 फरवरी 2019 को खत्म हो गया। 8 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के गठन हुआ था और सभा की पहली बैठक 4 जून 2014 को हुई थी। 16वीं लोकसभा में कुल 17 सत्र हुए जिनमें 331 बैठकें हुईं। इस दौरान लोकसभा में कुल 219 विधेयक पेश किए गए, 205 सरकारी विधेयकों को सदन ने मंजूरी दी और 9 सरकारी विधेयक वापस लिए गए। आखिरी दिन समापन पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भावुक होकर इस पद के 5 साल के अनुभव साझा किए। 16वीं लोकसभा के आखिरी यानी 17वें सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री समेत कई सांसदों ने विदाई संबंधी उल्लेख लिखा। आखिरी में समापन पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी बात रखी। इस मौके पर वो भावुक भी हुई और 16वीं लोकसभा में सदन में सुचारू कामकाज में सहयोग के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे गौरवपूर्ण लोकतंत्र की इस महान संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में इस सभा के सभी सदस्यों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए सकारात्मक समर्थन और सहयोग के लिए सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सुमित्रा महाजन ने स्पीकर के पद की जिम्मेदारी निभाने पर खुशी जाहिर की। इसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और अनंत कुमार जैसे नेताओं के इस दुनिया से अलविदा होने पर दुख भी जाहिर किया। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 वर्षों में अनेक अच्छे व ऐतिहासिक पल मिले एवं देश के लोगों के लिए काम करने का, इस सर्वोच्च पद की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला। वही दुखी भी हूँ क्योंकि कुछ अच्छे साथी, कुछ मार्गदर्शक हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। माननीय अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे सोमनाथ जी, प्रिय अनंत जी एवं लोकसभा के हमारे कई साथी उनमें सम्मिलित थे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के निष्पक्ष संचालन के साथ साथ सभा की गरिमा को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। मैंने पूरी ईमानदारी एवं शुद्ध अंतकरण से साथ सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के तहत इस सदन की कार्यवाही संचालित करने और सभी माननीय सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने एवं अपनी बात रखने के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराने तथा अध्यक्ष के उच्च संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश की है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेरा सदा प्रयास रहा है कि सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता को ध्यान में न रखते हुए मैं इस सभा और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ रक्षा कर सकूं और हमारी संसदीय प्रणाली के उच्च आदर्शों को आगे बढ़ा सकूं। इस मौके पर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी से लोकसभा में स्वीकार्य मर्यादाओं के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है। हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है तथा भारत के अंदर और बाहर अन्य देशों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। पूरे विश्व के लोग उत्सुकता से संसदीय कार्रवाई को देखते हैं एवं उस पर नजर रखते हैं। किसी भी वैचारिक मंच पर अनेक प्रकार के विचारों का प्रकटीकरण चलता है और लोकतंत्र में सहमति असहमति अस्वाभाविक नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक है,
लेकिन कई बार सहमति असहमति से परे जाकर मर्यादा का उल्लंघन भी होता है और गतिरोध की स्थिति बन जाती है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च प्रतीक लोकसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, उसमें हम सभी से स्वीकार्य मर्यादाओं के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है, ताकि संसद की प्रतिष्ठा एवं शुचिता अक्षुण्ण रहे। भावुक होते सुमित्रा महाजन ने कहा कि हम सब 5 सालों से एक परिवार की तरह रहे। हमने मिलकर देर रात बैठकर इस पवित्र सदन में देश के हितों के मुद्दे पर अनेक बार चर्चाएं की, एक दूसरे के विचार सुने, उत्तम निष्कर्ष निकाले एवं कई परिवर्तनकारी विधानों का निर्माण किया। सभा ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिनसे हमारी तरक्की एवं गरीबों तथा वंचितों को अधिकार दिलाने की महत्वपूर्ण पहल की गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता को मतदान का अवसर मिलेगा। शीघ्र ही अब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होगा, जिसमें जनता जनार्दन को अपने बहुमूल्य मतदान का अवसर मिलेगा। मुझे आशा है आप सभी ने अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया होगा, और आशा करती हूँ कि आज आशीर्वाद भी मिला है माननीय मुलायम सिंह जी का, कि भविष्य में भी आप उनकी आशाओं एवं अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जनसेवा के प्रति समर्पित रहेंगे। आखिरी में उन्होंने इन शब्दों में सभी के कल्याण की कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार के कामकाज और मौजूदा लोकसभा के भीतर के अनुभवों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही 16वीं लोकसभा के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने खास अंदाज में माहौल को खुशनुमा बनाने की भी कोशिश की। 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुचारू कामकाज के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। 16वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल को अध्यक्षा के रूप में जिस धैर्य के साथ, संतुलन के साथ और हर पल मुस्कुराते रहते हुए आपने सदन को चलाया, इसके लिए आप अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार से देश का आत्मविश्वास और गौरव बढ़ता है। करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी, और कांग्रेस गोत्र नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे कार्यकाल में देश विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए यहाँ बैठे सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं, क्योंकि नीति निर्धारण का काम यही हुआ है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में, इस कार्यकाल में, हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6ठे नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का ही वो गौरव का काल है और इसके सब हम सभी भागीदार हैं, नीति निर्धारण यहीं से हुआ है। प्रधानमंत्री ने 16वीं लोकसभा और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस लोकसभा को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ
आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया, बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया, आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस सदन इस कार्यकाल के ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में हाल फिलहाल के वर्षों में विपक्ष की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों का भी जवाब दिया। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े हैं और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है सदन के पास। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में आकर ही जाना कि गले मिलना और गले पड़ना क्या होता है। मैं पहली बार यहाँ आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। 16वीं लोकसभा के दौरान चर्चा और विधायी कामकाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान सदन में 85% कामकाज हुआ, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने निवर्तमान हो रहे सदस्यों को दोबारा सदन में आने की शुभकामना देते हुए कहा कि वो चुनाव में स्वस्थ स्पर्धा की भावना से उतरें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र का अंतिम दिन कई मायनों में यादगार रहा। सांसदों ने जहां पिछले 5 सालों की अपनी यादों को साझा किया, वहीं सदन के बेहतर संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष की तारीफ भी की। आइए देखते हैं विदाई भाषण में सांसदों ने क्या कहा। ये तस्वीर है 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन की। मौका था विदाई भाषण का, क्योंकि कुछ महीने बाद 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव होने हैं। इस विदाई भाषण में सांसदों ने न केवल एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई दी, बल्कि पिछले 5 साल के दौरान हुए सदन के कामकाज की तारीफ भी की। For the last 5 years, whatever services have done by Honorable Speaker, we are very much thankful to you as a party and also the ministers concerned everybody and other opposition parties also. We are all fight together in some causes. We are all together. I don't know what will happen after the election, whether they will come to this side or will go to that side. We are in a expectation that who will go that side. So naturally, we will miss you that time. During last 4 years, 10 months, we have seen you exhilarating that same vibrance while you are presiding over this house. You are compassionate, but at the same time very resolute. And that has made the 16th Lok Sabha more fruitful. जो भी कार्यकाल हुआ 5.5 साल का, रियली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ। हमारे सरकार की तरफ से देश हित के, जनता के हित के बहुत से काम हुआ, ये हमें स्वीकारना चाहिए। पहले 11 थे और हम आपके सामने फिर पेश होंगे और इसी तरीके से हमें आप सहयोग दीजिए, जिस तरीके से माँ की तरफ आपने हम लोग को ट्रीट किया। मैडम, देयर आर
number of occasions, inspiring occasions, as well as the emotional occasions that you have witnessed in the for the last 5 years. As stated by other members, it is the duty of the opposition to raise the issues of the people. समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव ने सत्र के आखिरी दिन विदाई भाषण में सभी सांसदों को दोबारा से जीतकर संसद में आने की शुभकामना दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाएं। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इस पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। अन्य पार्टी के सांसदों ने भी 16वीं लोकसभा के कामकाज की तारीफ करते हुए सभी सांसदों को बधाई दी। रामविलास पासवान, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत कई सांसदों ने सदन के सही तरीके से संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तारीफ की। अध्यक्ष की हैसियत से और जिस तरीके से शानदार तरीके से पिछले 5 साल आपने लोकसभा में कार्य का संचालन किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, इवन जो हमारे वॉचमैन हैं, मैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। So I congratulate the entire speaker's office and the SRI for the work that they have contributed. Especially I would like to compliment you and thank you for being in the opposition, including us in the 2 big conferences that you organized. आज प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि इस सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का फैसला लेके वहाँ पे काम भी शुरू कर दिया है और सदियों से जो आस्था रही है वो आस्था पूरी करने की इस सरकार ने काम किया, जो आज से पहले किसी सरकार ने देश को तोड़ जरूर दिया, हमारे धार्मिक स्थान छोड़ उधर जरूर दिए, लेकिन उनके साथ जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है तो ये अभी हो सका है, क्योंकि एक मजबूत सरकार आई है, एक डिसाइसिव प्रधानमंत्री ने देश के भले में बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें से मेरे लिए सबसे बड़ा जो किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी करी है उसके लिए भी मैं शुक्राना करूंगी। लेट मी बी वेरी प्लेन, ऑल ऑफ अस आर डिपार्टिंग टुडे, देयर इज नो पर्सनल एनिमोसिटी फॉर एनीबॉडी हियर। आई मेट सम ऑफ द मिनिस्टर्स पर्सनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर इट मे बी, पर्सनली आई मेट आवर सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह इज हियर, ऑल ऑफ देम मोबिलाइज्ड। I am highly grateful to all ministers who are sitting here and not having any ill will about anybody. Yes. I am today is my last speech. I take this opportunity today to thank you, madam, for giving me several opportunities to speak in the house, voice my concerns, and also to the other members of the house. I express my gratitude towards you for being you and for conducting this house in the best possible manner. हर विषय पर हमारा ही नहीं बल्कि सभी सांसदों को आपने जो मौका दिया, प्यार और मोहब्बत से जो संसद चलाया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। So I want to express my sincere thanks and gratitude on behalf of my party. I am a single member party, but I have never felt that I am a single member in the house because of you, madam. So I am very thankful to you, grateful to you for giving me such an opportunity. मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं 26 साल की आयु में इस हाउस में आया और जिस दिन पहली बार आपका स्वागत किया, मुझे याद है मैं वहाँ पीछे बैठा था और लातें कांप रही थी, मगर इस दौरान 5 साल में जो आपका आशीर्वाद मिला और 2 सदस्यों के दल से आज एक अलग पार्टी के अंदर जहाँ मुझे बोलने का आपने निरंतर मौका दिया। आई एम बिलोंग टू रीजनल पार्टी, at the same time we have a regional party, I have to fulfill my Tamil Nadu people whatever they expecting, and also I have to express my regional feelings also, because even though India is one, we are all so many parties are here and representing so many cultures, that is the greatness of the India, the unity. विदाई भाषण के दौरान बोलते हुए कई सांसद भावुक भी हुए, लेकिन आखिरी विदाई इस उम्मीद के साथ हुई कि एक बार फिर से 17वीं लोकसभा में सभी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रसन्नता हो रही है।
सदन के अंदर भावुक संदेश, सरकार के कामकाज की तारीफ और 5 साल तक सदन के सुचारू रूप से चलने की तारीफ तो सांसदों ने अपने विदाई भाषण में की, लेकिन कई सांसदों ने सदन के बाहर भी 16वीं लोकसभा के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा किया। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ, विशेष में इतना ही, नमस्कार। 16वीं लोकसभा के दौरान हुए अनुभवों को हर सांसद ने अपने अपने तरीके से बयां किया। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में गाकर अपने अनुभव बताए। बीते हुए 5 साल भव्य से मुहूर्त है, 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। इन दो लाइनों में हमारे 5 साल को बांध लीजिए। देखिए, मेरे लिए ये 5 वर्ष संसद के यात्रा के मुझे उतना सिखा दिए हैं जितना हमारे विश्वविद्यालय, हमारे हाई इंटरमीडिएट स्कूल और हमारे हाई स्कूल सब मिलकर के जितना सिखाए, उतनी शिक्षा हमने 5 वर्ष में पाली है। कई सांसदों ने जहां सरकार और सदन के कामकाज की तारीफ की, वहीं पहली बार लोकसभा सांसद बनी रेणुका बूटा ने कहा कि इस दौरान न केवल उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, बल्कि सदन की गतिविधियों को करीब से देखने का मौका मिला। अनेकों प्रदेश, अनेकों भाषाएं, अलग अलग समस्याएं, छोटे दल अपनी लोकल समस्याएं उठाते हैं प्रदेश भर की, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि राष्ट्रीय सोच जरूरी है। ये हिंदुस्तान मजबूत कैसे हो, ये सभी पार्टियों की चिंता है। सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बल्कि अगर मैं देश के आम नागरिक की दृष्टि से देखूं तो ये 5 साल जो है बहुत ही प्रभावकारी और असरदार रहे। ख़ास तौर पे जिस तरीके की व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम प्रकार के काम कानून बदले और कानून आए, नए कानून आए। 16वीं लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने देश के आम आदमी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार ने आज गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। पहली बार सांसद चुन के यहाँ पे आई हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे चुनाव क्षेत्र ने मुझ पे प्यार जताया और उन्होंने इतना विश्वास दिया कि यहाँ पे आके मैं कुछ काम कर सकूँ। आज ही आखिरी दिन है तो पीछे मुड़ के 5 साल इतने जल्दी ख़त्म हुए, देख के भी हर्ष भी होता है, दुख भी होता है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ और करने की चाह है, तो ये अपेक्षा करती कि लोगों का आशीर्वाद फिर से रहे और 17वीं लोकसभा की ओर भाजपा के अच्छे हमारे जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़े। शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि पिछले 5 सालों में सदन के भीतर काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला। जो थंपिंग मेजोरिटी से सरकार आई और पूरे 5 बार जिसने पूरे किए, ये सरकार भी देखी, और इसमें मैं समझता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हुए देश में, डिमोनेटाइजेशन का हो, GST का हो, और इंटरनेशनल लेवल पे सरकार और देश की छवि जो बड़ी है। वहीं लोकसभा में मनोनीत सांसद जॉर्ज बेकर ने GST नोटबंदी के साथ ही रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने के सरकार के फैसले की तारीफ की। GST, डीमोनेटाइजेशन, बजट जो है, रेलवे बजट सिर्फ ये नहीं, अभी नेशनल बजट ऐतिहासिक है जी, बिकॉज जितने सरकार थे पहले टाइम में वो लोग इतने सोचा नहीं था मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 16वीं लोकसभा की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरान जितने काम हुए वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। 16वीं लोकसभा का सदन का अंतिम दिन था और लगभग विरोधियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये 5 साल का जो कार्यकाल पौने 5 साल का रहा है, इस कार्यकाल में इस देश को मजबूत बनाने के लिए जितने सारे निर्णय करना चाहिए जो 70 वर्षों में नहीं कर पाए थे, वो निर्णय इस सरकार ने, इस सदन ने किया है। सांसदों ने 16वीं लोकसभा के दौरान सरकार द्वारा किए कामकाज की तारीफ के साथ ही अध्यक्ष द्वारा सदन को सुचारू रूप से चलाए जाने की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV।